आज वैसा नहीं हो रहा क्योंकि दीनदारी की बुनियाद पर निकाह नहीं होते। तो मेरे भाइयों अपने निकाहों को दीनदारी की बुनियाद पर हम करेंगे। अगर ये स्टेज में हम फेल हो गए, तीसरी स्टेप थी याद रखिए, मैं एक 10 पॉइंट रखूंगा इंशाल्लाह, तीसरी स्टेज में फेल हो गए ना तो आगे की स्टेप थोड़ी मुश्किल हो जाती है, समझ रहा, क्यों तो घर बन रहा है। अब चौथा पॉइंट, अब निकाह हो गया, अब हो गया भाई, अब उसका सोल्यूशन दो, वो जो नहीं होना था हो गया, हमने जब सोचे नहीं, दीनदारी को तरजीह नहीं दिए, शादी हो गई, अब क्या करना है। तो अब अपनी बीवी की मर्द इस्लाह करे और बीवी जो है अपने शौहर की इस्लाह करे। वो कैसे होंगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी देखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठते, माँ आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु अन्हा, और मेरे चेहरे पर पानी मारते और कहते आयशा उठ कर जो है नमाज पढ़ लो, वित्र अदा कर लो, इसलिए कि सहाबा उमूमन तहज्जुद के बाद ही वित्र पढ़ते हैं, तो वित्र अदा कर लो मतलब तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, उठाया करते। इसमें हमें एक नसीहत मिलती है कि शौहर अपने बीवी को फराइज तो फराइज नवाफिल के लिए कैसे उभार रहा है, नवाफिल रात की नमाज के लिए, कि पानी मारते और कहते आयशा उठ जाओ और अपनी वित्र अदा कर लो, इस्लाह कर रहे अपनी बीवी की।